थंडर गॉड थॉर एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है, इसीलिए थॉर से सीधी टक्कर लेना पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो के भी बस की बात नहीं है। पर आज हम कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जानने वाले हैं जो कि थॉर से टकराने की हिम्मत और ताकत दोनों रखते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम MCU और DCU के उन सुपर हीरोज की बात करेंगे जो कि थंडर गॉड को टक्कर दे सकते हैं और शायद कुछ पॉइंट्स पर उसे हरा भी सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो कि क्लियरली थॉर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी मिलेंगे जो कि शायद थॉर से ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने पावरफुल जरूर हैं कि वो थॉर को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं यहीं पर बता दूं कि ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, बल्कि इन सभी सुपर हीरोज को हमने रैंडमली अरेंज किया है, तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे यहाँ पर तो हम उन सुपर हीरोज की बात कर रहे हैं जो कि थॉर को हराने की ताकत रखते हैं, लेकिन इससे हटकर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि थॉर को मार चुके हैं या फिर मार्वल कॉमिक्स के अंदर किन किन तरीकों से थॉर की मौत हुई है, तो आप इस बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम वीडियो जरूर लाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले टॉपिक के लिए कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपने ये सब कर लिया है तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल सुपर सोल्जर हैं जिन्होंने MCU के हर फेज में एवेंजर्स को लीड किया है। कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर कैटेगरी के भी सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर हैं, जिन्हें हैंड टू हैंड बैटल्स में हरा पाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। कैप्टन अमेरिका फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने बैटल्स के दौरान कैप्टन को जब भी हायर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी है तब उन्होंने उस स्ट्रेंथ को समन किया है। लेकिन इनके भी ऊपर कैप्टन अमेरिका म्योनिर के लिए भी वर्दी है और उन्होंने एवेंजर्स एंडगेम के अंदर म्योनिर को उठाकर अपनी वर्दीनेस को साबित भी किया है। एक बार म्योनिर को लिफ्ट करने के बाद कैप्टन अमेरिका गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को भी हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी पावर लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मैड टाइटन थैनोस को अकेले ही संभाल लेते हैं, और इसीलिए कैप्टन अमेरिका म्योनिर के साथ थॉर को भी एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। पर एट द एंड थॉर और कैप्टन अमेरिका के बैटल को थॉर ही जीतेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि थॉर को उसके स्टॉर्म ब्रेकर के साथ रोक पाना कैप्टन के भी बस की बात नहीं है। नंबर 9, कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड है जो कि US मिलिट्री के अंदर एक एयरफोर्स पायलट रह चुकी है। कैरल को उसकी पावर्स एक एक्सीडेंट के दौरान मिलती है, क्योंकि जब वो लाइट स्पीड इंजन को डिस्ट्रॉय कर देती है तब वो उसके अंदर की टेसरेक्ट की एनर्जी से एक्सपोज हो जाती है, जिसके बाद कैरल के अंदर कॉस्मिक पावर्स आ जाती है और फिर आगे चलकर वो कैप्टन मार्वल बनती है। कैप्टन मार्वल साउंड की स्पीड से भी तेज फ्लाई कर सकती है, पावरफुल फोटोन ब्लास्ट कर सकती है, एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है और खुद को तेजी से हील भी कर सकती है। कैप्टन मार्वल MCU की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल सुपर हीरोज में से एक है, जो कि अपनी पावर्स मिलिट्री ट्रेनिंग और फाइटिंग एक्सपीरियंस के साथ अच्छे अच्छों पर भारी है। मार्वल के व्हाट इफ सीरीज के अंदर हमने क्लियरली देखा था कि थॉर और कैप्टन मार्वल में कैप्टन मार्वल ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज के अंदर जब थॉर और कैप्टन मार्वल एक दूसरे से फाइट करते हैं तब थॉर अपने एक पंच में कैप्टन मार्वल को फ्रांस से UK भेज देता है और वहीं कैप्टन मार्वल अपने एक पंच में थॉर को UK से USA भेज देती है। ये कंपैरिजन बेशक से मेन मार्वल यूनिवर्स में ना हो रहा हो, लेकिन ये चीज हमें बताती है कि कैप्टन मार्वल कितनी पावरफुल है, और इसी वजह से MCU के अंदर कैप्टन मार्वल भी उन सुपर हीरोज की कैटेगरी में आती है जो कि थंडर गॉड से टक्कर ले सकते हैं। नंबर 8, सुपरमैन। तो मार्वल के थॉर और DC के सुपरमैन में कौन ज्यादा पावरफुल है, ये डिबेट सुपर हीरो फैंस के बीच चलती रहती है। सुपरमैन एके कालेल या यूं कहे क्लार्क कैंट क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट का आखिरी सर्वाइवर है, जिसे उसके पेरेंट्स अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद अर्थ का एटमोस्फेयर और सनलाइट उसे सुपर ह्यूमनली बहुत पावरफुल बना देते हैं, जिसके बाद क्लार्क कैंट कहलाता है सुपरमैन। सुपरमैन कोई गॉड नहीं है, लेकिन उसकी पावर्स और एबिलिटीज किसी गॉड से कम भी नहीं है। सुपरमैन फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर एक स्पेसशिप को बड़े आराम से खींच चुका है, एक हैवी मिसाइल को लिफ्ट कर चुका है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अपने एक अटैक से गिरा चुका है। सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि ये एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, फायर, बुलेट शॉट्स और मिसाइल ब्लास्ट सब कुछ झेल सकता है। और DCU के अंदर तो सुपरमैन एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन को भी सरवाइव कर चुका है। इसके अलावा सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश को भी टक्कर दे चुका है और अपने पावरफुल हीट विजन से स्टेपन वुल्फ के हॉर्न को भी तोड़ चुका है, और इसीलिए सुपरमैन की इन पावर्स को देखते हुए ये पता पाना काफी मुश्किल है कि थॉर और सुपरमैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है। नंबर 7, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमोफ एक पावरफुल विच है जिसकी पावर्स को माइंड स्टोन ने ट्रिगर कर दिया है। स्कारलेट विच केओस मैजिक का यूज करती है और अपनी इन मैजिकल पावर्स से ये माइंड कंट्रोल कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, टेलीपैथी यूज कर सकती है, मैटर मैनिपुलेशन जानती है और तो और ये रियलिटी रैपिंग भी कर सकती है। स्कारलेट विच अपनी पावर से एक पूरी रियलिटी तक को क्रिएट कर चुकी है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ये डार्क होल्ड का यूज करके इतनी पावरफुल बन जाती है कि ये इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर्स को भी बड़े प्यार से खत्म कर देती है। स्कारलेट विच इन्फिनिटी स्टोन्स
की पावर्स को भी ओवर पावर कर चुकी है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर ये एक हाथ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ती है और दूसरे हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन होल्ड किए हुए थानोस को भी रोकती है। इसीलिए स्कारलेट विच इतनी पावरफुल है कि वो थॉर से भी फाइट कर सकती है। और तो और अगर स्कारलेट विच चाहे तो वो अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी से थॉर के माइंड को कंट्रोल करके उसे हरा भी सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था, जहां पर स्कारलेट विच एवेंजर्स टीम के बाकी मेंबर्स के साथ साथ थॉर के माइंड को भी मैनिपुलेट कर देती है, जिससे थॉर इल्यूजन में फंस जाता है। नंबर 6, ब्लैक एडम एंड शज़ाम। तो इस लिस्ट में नंबर 6 पर हमने ब्लैक एडम और शज़ाम को एक साथ रखा है, क्योंकि इन दोनों ही सुपर हीरोज की पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और इन्हें इनकी पावर्स भी शज़ाम विज़ार्ड से मिली है। लेकिन इनके बीच जो चीज डिफरेंट है वो है इनकी पावर्स का सोर्स, क्योंकि जहां शज़ाम को उसकी पावर्स सोलोमन, हरकुलिस, एटलस, ज़ियोस, एक्लिस और मरकरी जैसे ग्रीक गॉड से मिली है, वहीं ब्लैक एडम की पावर्स का सोर्स शू, एमोन, ज़ेहोती, एटोन, हैरो और मैथु जैसे इजिप्शियन गॉड्स हैं। ब्लैक एडम और शज़ाम दोनों ही नियर इमोर्टल है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकते हैं, टेलीकिनेसिस कर सकते हैं और थंडर ब्लास्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये दोनों ही गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और फ्लाइट जैसी सारी एबिलिटीज भी पोसेस करते हैं। ब्लैक एडम और शज़ाम की पावर्स थंडर गॉड थॉर से बहुत सिमिलर है और इन पावर्स के अलावा अगर हम इन दोनों के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी थॉर से कंपेयर करें तो ये बता पाना भी काफी मुश्किल है कि इन तीनों में से किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। वैसे अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि ब्लैक एडम, शज़ाम और थॉर में से कौन सा सुपर हीरो सबसे पावरफुल है, तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज, एके डॉक्टर स्ट्रेंज, एक पावरफुल सॉर्सरर और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले एक न्यूरोसर्जन होते हैं, जो कि एक कार एक्सीडेंट के दौरान अपने हाथों को खो देते हैं और फिर जब सारी वेस्टर्न ट्रीटमेंट्स फेल हो जाती हैं, तब डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं कामरताज, जहां पर जाकर वो एंशिएंट वन से मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं और बनते हैं मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और मैजिक में डॉक्टर स्ट्रेंज को मात दे पाना स्कारलेट विच के अलावा शायद अर्थ पर और किसी के बस में नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक और टाइम स्टोन की हेल्प से सीलियस और डोरमामू जैसे बड़े विलन्स को भी मात दे चुके हैं। इनके भी ऊपर एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थैनोस को हराने और यूनिवर्स को बचाने में जितना बड़ा हाथ आयरन मैन और हल्क जैसे सुपर हीरोज का था, उतना ही बड़ा हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज का भी था, जिन्होंने 14 मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को देखकर थैनोस के हारने का आउटकम जाना था और आयरन मैन की जान बचाकर उस पॉसिबिलिटी को सच बनाया था। डॉक्टर स्ट्रेंज एज अ मैजिशियन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की है और इसीलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर के अटैक को रोक पाए तब तो डॉक्टर स्ट्रेंज के थॉर से जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर थॉर का कोई भी अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज को लग गया तो डॉक्टर स्ट्रेंज का उस अटैक से सरवाइव कर पाना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 4, वंडर वुमन। वंडर वुमन यानी कि डायना ग्रीक गॉड ज़ियोस की बेटी है और डीसी यूनिवर्स के अंदर वंडर वुमन को एक डेमी गॉड बताया गया है। वंडर वुमन थेमिस कीरा की एक अमेज़न वॉरियर है, जिसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और स्टेमिना जैसी सारी एबिलिटीज है और एक अमेज़ोनियन वॉरियर होने की वजह से वो हैंड टू हैंड फाइट्स लड़ना भी जानती है। वंडर वुमन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मिलिट्री टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को बड़े आराम से उठा सकती है और उन्हें कई माइल्स तक दूर फेंक सकती है। वंडर वुमन इतनी फास्ट है कि वो गन से निकली बुलेट से भी तेज मूव कर सकती है और चाहे तो उन बुलेट्स को पकड़ भी सकती है। इसके साथ ही वंडर वुमन के पास मैजिकल ब्रेसलेट्स भी हैं, जो कि एनर्जी को अब्सॉर्ब करके पावरफुल शॉक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। वंडर वुमन के मैजिकल ब्रेसलेट्स थंडर को भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं और वंडर वुमन की मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि वंडर वुमन एरीज की लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर उसे एरीज के खिलाफ इस्तेमाल करती है और इसीलिए वंडर वुमन ऐसा कुछ थॉर के साथ भी कर सकती है, जहां पर अगर थॉर अपनी लाइटनिंग से वंडर वुमन पर हमला करेगा तब वो थॉर की लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करके उसे थॉर के खिलाफ यूज कर सकती है। नंबर 3, सेलेस्टियल स्टारलॉर्ड। तो स्टारलॉर्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है, जिसने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को हराने और यूनिवर्स को बचाने में एवेंजर्स का साथ भी दिया था। लेकिन ये बात जितनी सही है उतनी ही सही ये बात भी है कि इसी बेवकूफी की वजह से थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर पाया था और आधे यूनिवर्स को मिटाने में कामयाब हुआ था, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में अगर ये थैनोस पर हमला ना करता और पीटर और टोनी को इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकालने देता तब शायद कहानी कुछ और ही होती। खैर इन बातों को साइड करते हैं और इसकी सेलेस्टियल पावर को जानते हैं। तो ये स्टारलॉर्ड ईगो द सेलेस्टियल का बेटा है, जो कि खुद एक हाफ ह्यूमन और हाफ सेलेस्टियल है और इसीलिए इसके पास एक सेलेस्टियल जैसी पावर्स है। पर बात करें अभी की तो स्टारलॉर्ड के पास अभी ऐसी कोई पावर्स नहीं है, क्योंकि गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर ईगो द सेलेस्टियल के मरने के बाद ही इसकी सेलेस्टियल पावर्स भी खत्म हो गई थी। नंबर 2, आयरन मैन। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनर है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज को ओन करता है
टोनी स्टार्क के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन अपने जीनियस माइंड और बेशुमार दौलत के दम पर ये पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरोज पर भी भारी है। टोनी स्टार्क एक ब्रिलियंट इंजीनियर है जिसने अपने लिए बहुत से एडवांस मैकेनिकल सूट्स को क्रिएट कर रखा है, और जब टोनी अपने इन एडवांस सूट्स को पहनता है तब वो बनता है आयरन मैन। आयरन मैन बेशक से थॉर से ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर आयरन मैन के एडवांस आर्मर्स इतने पावरफुल जरूर है कि इन्हें पहनकर आयरन मैन थॉर को टक्कर जरूर दे सकता है। और एमसीयू के अंदर आयरन मैन के मार्क 50 और मार्क 85 आर्मर्स इस बात के प्राइम एग्जांपल्स हैं। इसीलिए अगर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को थॉर से लड़ने के लिए इनफ टाइम दिया जाए तो प्रिपरेशन टाइम मिलने पर वो ऐसे आर्मर्स भी क्रिएट कर सकता है जिनसे वो थॉर का सामना कर पाए, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा हो चुका है जहां पर टोनी स्टार्क गॉड किलर आर्मर और गॉड बस्टर आर्मर जैसे पावरफुल आर्मर्स भी क्रिएट कर चुका है और उन्हें सक्सेसफुली यूज भी कर चुका है। यहां तक कि टोनी स्टार्क ने कॉमिक्स के अंदर एक थॉर बस्टर आर्मर भी क्रिएट किया है जो कि टोनी स्टार्क ने स्पेशली थॉर को काउंटर करने के लिए बनाया था। नंबर 1, ओडिन। तो ओडिन बोर्सन एसगार्ड के फॉर्मर किंग और पूरे नाइल रियाम्स के ऑल फादर हैं। ओडिन पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है, जिनके सामने किसी दूसरे कैरेक्टर का टिक पाना भी बहुत मुश्किल है। ओडिन के पास गॉडलाइक स्ट्रेंथ, गॉडलाइक ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्टेमिना और सुपर स्पीड जैसी सारी गॉडलाइक पावर्स हैं, और इसके साथ ही ओडिन को लड़ने का भी हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, और इन हजारों सालों के दौरान ओडिन हजारों वॉर्स को लड़कर उन्हें जीत भी चुके हैं। ऑल फादर ओडिन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में रहकर ओडिन पूरे यूनिवर्स को भी खत्म कर सकते हैं और फिर उसकी जगह एक नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। एमसीयू के अलावा अगर बात करें डीसी की, तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर भी शायद ही कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि ऑल फादर ओडिन के सामने स्टैंड कर पाएंगे। और वैसे तो एमसीयू के अंदर हमें ओडिन की ज्यादा पावर्स को नहीं दिखाया गया, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन की पावर्स को बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट किया गया है। तो यही एमसीयू और डीसीयू के वो 10 सुपर हीरोज हैं जो कि थंडर गॉड को हराने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। वैसे आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप इन कैरेक्टर्स को इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं तो आप अपनी बनाई हुई लिस्ट भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी बनाई हुई ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस नेक्रोसॉर्ड, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स इन एमसीयू एंड डीसी और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स के ऊपर कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।